Hey everyone, this is Monica. Welcome to another fashion video. So, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. So guys, आज का ये video कुछ trendy jewelry होने वाला है, because इस video में मैंने कुछ neck pieces, also earrings, वो भी बहुत ज़्यादा जो trend में चल रहे हैं, उस type के earrings purchase किए हैं. Because ethnic earrings आपको काफ़ी जगह देखने के लिए मिल जाते हैं, but western earrings आपको बहुत ही limited जगह देखने के लिए मिलते हैं. Also जहाँ भी हम purchase करते हैं बहुत costly होते हैं. So आज मैं आपके साथ बहुत trendy jewelry तो share करूँगी, साथ ही काफ़ी affordable price में भी. So चलिए start करते हैं का वीडियो. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज़ इस चैनल पे मैं हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, आल्सो स्टाइलिंग वीडियोस अपलोड करती हूं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है touchupgirl, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो ये जो पूरी ज्वेलरी मैंने परचेज की है गाइज, वो मैंने की है everstylist.com से, एंड यहाँ पे आपको लेटेस्ट ट्रेंडी ज्वेलरी का कलेक्शन वेस्टर्न वेयर में भी, एथनिक वेयर में भी आपको मिलेगा, वो भी बहुत मिनिमल प्राइस में. यानी आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, इससे काफ़ी मिनिमल प्राइस में यहाँ पे ट्रेंडी इयररिंग्स, नेक पीसेस, जो भी ज्वेलरी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी मॉडर्न भी, एथनिक भी. मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है. सो फर्स्ट जो इयररिंग्स हैं गाइस, ये गोल्डन एंड वाइट ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है. दिखने में ना ये काफ़ी छोटे लग रहे थे जब मैंने इमेज में इनको ऑर्डर किया था, बट ये एक्चुअल में काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, एंड अच्छे भी लग रहे थे. आप इसको वेस्टर्न वेयर मीन्स ड्रेसेस, डेनिम्स, किसी के साथ भी आराम से वेयर कर सकते हैं. बहुत ही लाइट वेट है, स्टाइलिश है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट जो है गाइज, ये तो मस्ट हैव हैं, गोल्डन कलर के, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं. ऑल्सो ये आप इनको ना किसी भी आउटफिट पर वेयर कर सकते हैं, चाहे आपने इंडियन पहना हो, वेस्टर्न पहना हो, तो आप इनको ट्राई करें डेफिनेटली. नेक्स्ट जो है, ये भी गाइज मैंने बहुत ही छोटे छोटे इमेजिन किए थे, बट ये भी काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, एंड बहुत स्टाइलिश भी लग रहे हैं. बहुत मिनिमल जो प्राइस है, आई थिंक 199 इस टाइप के प्राइस में मैंने परचेज किए थे ये. सो नेक्स्ट जो है गाइज, ये पार्टी के पर्पज से बहुत अच्छे हैं. मीन्स इवनिंग में अगर आप, हम जैसे गाउन वगैरह कुछ वेयर करते हैं ना, तो आप कुछ एथनिक तो उन पर वेयर नहीं कर सकते, या तो आप गोल्डन करके हुप्स वेयर करते हैं, तो इस टाइप के इयररिंग्स भी ना उन उस पर्पज से बहुत अच्छे लगते हैं. ऑल्सो स्टाइलिश लगने के साथ साथ गाइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट मैंने लिए हैं कुछ रेगुलर पर्पज से, मीन्स ये इस टाइप के हैं कि आप इनको कैसे भी वेयर कर सकते हैं. ऑल्सो ये कुछ एथनिक में भी मैंने कलेक्शन परचेज़ किया है. ये काफ़ी अच्छे हैं, लाइट वेट भी हैं, मीन्स दिखने में बहुत हैवी लग रहे हैं बट लाइट वेट हैं. नेक्स्ट है कि ये कुछ लेयर में हैं. ऑल्सो इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मीन्स अगर आपको ये वाला कलर नहीं चाहिए तो आपको और भी कलर ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे. नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं छोटे छोटे इयररिंग्स, बट ये पिंक कलर में है. आपको इसमें ब्लैक कलर, ब्लू कलर और भी कलर ऑप्शन तो गाइस बहुत सारे हैं. सो नेक्स्ट ये आपको कुछ डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं, एंड ये हर्ट शेप में आपको मिलेंगे. उसके अलावा गाइस मैंने कुछ नेक पीसेस भी परचेज़ किए हैं. फर्स्ट जो है वो ये ब्लू एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है. सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था. ये कुछ 300 रुपीज़ समथिंग में मैंने परचेज़ किया है. लेयर में है, गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में, एंड लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत स्टाइलिश भी लग रहा था वेयर करने के बाद, एंड ये उनके लेटेस्ट कलेक्शन में से मैंने परचेज़ किया है. सो इसको भी ट्राई करें. नेक्स्ट मैंने नेक पीस परचेज़ किया है, वो है ये, एंड ये बहुत ही सिंपल बट एलिगेंट लग रहा था वेयर करने के बाद. सो इसको भी ट्राई कर सकते हैं. सो गाइज, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं. आज का ये कलेक्शन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.